4.5 लाख प्रवेश करने वाले, उनमें इनका पहला नंबर है। भूत प्रेतों का भूत ही अपना होता है। अच्छा, और सब अलग अलग ग्रुप के होते हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से नहीं मिलता, वो जितने तो नहीं मिल जाता। और दूसरा प्रश्न उसने पूछा था, ये संगम योगी लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के माँ बाप कौन हुए? तो मुझे जहाँ तक याद है, एक डिस्कशन सीडी में मैंने सुना था कि जो इस्लाम संगम योगी राधे कृष्ण के माँ बाप कौन हुए, उनको पालना देने वाले कौन है? हाँ जी, तो उनको पालना देने वाले क्या, क्योंकि आज में जिन्होंने पालना दी, जिन्होंने अपने घर में रखा, वही हुए रवि जी गए। वही मैंने उनको जवाब दिया था डिस्कशन के आधार, तो डिस्कशन सीढ़ी में कहीं ये बात आई थी शायद कि इस्लाम धर्म के जो बीज हैं, वही यशोदा और नंद हैं, उनको विदेशी कहेंगे या स्वदेशी कहेंगे, यादव वंशी है या भारतीय है? यादव वंशी है। और ये अनिल भाई का प्रश्न है कि वारिस क्वालिटी आत्माएं कौन है? के लिए वैसे भी कहते हैं राम भरत विश्व भरण पोषण का वर्ण पोषण करता है, विश्व का नहीं किया, विश्व की बीजों का आत्मा का वर्ण पोषण कर दिया। ये इससे डीके इन्फो में पूछा है कि वारिस क्वालिटी आत्माएं किनको कहेंगे, 9 लाख को, 16 हजार को या 108 को? 9 लाख प्रजावर की कही जाती है ना, वारिस क्वालिटी हो गई। वारिस क्वालिटी वालों को तो राजा ही का वर्षा मिलना चाहिए, तो 9 लाख को वर्षा मिलता है क्या? तो 108 हो गए, 16 हजार तो आप सारी वारिस क्वालिटी है। 21 जन्मों में से एक जन्म भी अगर सेंसेंसेस बनते हैं तो राजा ही जन्म में जन्म चली है। यहाँ पता नहीं क्यों ये दूसरे की उसमें चिंता लगे रहते हैं, वो क्या बनेगा हो जाता है। हाँ, पर चिंता अपनी फिक्र करते हैं। हाँ, ये खुद क्या कर रहे हैं। और एक और ये भी जो है, बार बार वो जोर देके कहते रहते हैं कि अगर शिव ने जो है 1976 में एडवांस ज्ञान देना शुरू किया, तो फिर उनको जो साकार शरीरधारी है उनको 1976 में ही बाबा कहना क्यों नहीं शुरू किया? पीपी केज ने लगभग 12 साल पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही बाबा करने लगता है क्या? छोटा बच्चा बड़ा होता है, टाइम लगता है ना समझदार बनने में, समझ जाएगी है एकदम पक्का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। ज्ञान बुद्धि में पक्का करने के लिए कुछ टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो झगड़ा चलता रहा कितना, संख्याति में वो आमरा की तीन बहनें निकली, अनुराधा, सुप्रभा और वो कमल ने पहले ही उस दिन चिट्ठी डाल दी, मम्मी आप बाबा को भाई साहब क्यों कहती हैं? वही ये सब बातें बता रहे थे इंटरनेट पे। बताओ, बच्चे अम्मा को सिखा रहे, अम्मा स्वदेशी है, बच्चा विदेशी है, वो घर में बैठी हुई है जब से सरेंडर होने के बाद, लेकिन ज्ञान नहीं छोड़ रही। अनुराधा सूर्यग्रह को भी उसने ज्ञान सुनाया, ज्ञान में बहुत सीखी है, शिवराज की बहन है। तो बच्ची माँ को ज्ञान सुना रही, जो माता की देवी कही जाती है। अरे मम्मी कोई ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में हरा पाएगी क्या? है कोई ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में हरा नहीं सकती, एडवांस में चलने वाले हरा देंगे क्या?
वो भी नहीं हरा सकते, लेकिन वो बच्ची इतनी थी कि जिस दिन पैदा हुई उस दिन चिट्ठी डाल दी हम मम्मी उस दिन से घूमता खा रही उसके ऊपर उसने आते ही बाबा 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 कहना शुरू कर दिया कमला बहन ने। हाँ, और जो साथ हैं दो से वो भी बाबा कहना शुरू कर दिया, हार से ना हार करके मम्मी को भी कहना पड़ा। ये शांता बहन तो बता रहे थे कर्नाटक की कोई पार्टी आई थी उन्होंने बाबा कहना शुरू किया एक बार, बोला होगा कर्नाटक की पार्टी ने, लेकिन मम्मी का मुकाबला नहीं किया किसी ने। मम्मी का मुकाबला इन्होंने कमला बहन ने चिट्ठी लिख करके भेज दी। फिर इनके बाद ये दूसरी बहनों ने भी फिर टकराव करना शुरू किया। जवाब ये देना चाहिए था कि रुद्रमाला के दो मड़के हैं तो दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो वो भाई साहब भाई तो क्या बुरा कहते हो। ये कि आदि का जो व्यक्ति तो था वो हमारा बाबा है, ऐसे समझा देना चाहिए था। मतलब ये तो होता है ना क्या कि मम्मी का मुकाबला करना, मुकाबला जाएगा सच्ची बात कह रहे हो, मुकाबला होता है क्या, लेकिन मुकाबला करें तो दे दी ये क्या बात हुई। नहीं बाबा, लेकिन जब मम्मी बाबा बाबा को भाई साहब कहने से तो गलत नहीं है, आप ही बोल रहे हैं ना। तो भाई एक साकार रूप में तो चाहिए, मम्मी तो इस नसीब रहेंगे कि हमने तो बाबा को सुनाया है एक ही के आदमी। अच्छा, हम तो बाबा की भी अम्मा है, नहीं तो प्रजापिता कैसे हुआ, ब्राह्मण बने हुए प्रजापिता कैसे हो गया। ये तो सुनाना सुनना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बड़ी बात तो बुद्धि में समझना और समझाने की है। और इन्होंने ये भी पूछा था कि व्यक्त ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा किसको कहेंगे। व्यक्त ब्रह्मा जो जिंदा था शरीर में था दादा लेखराज, शरीर को छोड़ दिया अव्यक्त ब्रह्मा हो गया। अव्यक्त ब्रह्मा जो है जब प्रवेश करता है तो अव्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। दादा लेखराज को ही ना, दादा लेखराज वाली सोल शंकर में प्रवेश करती है तो भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप दादा कही जाती है। गुंजार दादी में प्रवेश करती है तो भी अव्यक्त बाप दादा, गुंजार आदि में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश होती है, उधर बीजू के शरीर में प्रवेश होती है। गलत फहमियाँ बहुत हैं, जितनी ज्यादा बुद्धि उतनी ज्यादा गलत फहमियाँ। ज्यादा करेंगे गलत फहमियाँ बढ़ेंगे, बुद्धि को सरेंडर करने बेस्ट है। 99% बातें मान लेंगे और 1% बातें बुद्धि में घूमती रहेंगी, चौड़ा करती रहेंगी बातों में। एक और प्रश्न इन्होंने पूछा है कि शिव ने जब 1947 में मुरलियां सुनाना शुरू किया दादा लेखराज के द्वारा, जो कि टेम्पररी रथ है, तो उस समय जो है ब्रह्मा दादा लेखराज को 7 दिन की 7 दिन का कोर्स या भट्टी करने की जरूरत नहीं पड़ी अपना पार्ट जानने के लिए। लेकिन जब जानने के लिए जरूरत तो उनको धीरे धीरे पार्ट अपना बुद्धि में बैठता है, ऐसे थोड़ी उनको तुरंत पार्ट बुद्धि में बैठ गया। कितना टाइम लग गया, 1947 से लेकर के 1953 में जाकर के कमला नगर सेंटर में जाकर घोषणा की ब्रह्म कुमारी विद्यालय, उससे पहले क्यों नहीं की। 4-3-7 साल हो गए, लेकिन वो निश्चय बुद्धि बने तभी तो घोषणा की, जब तक निश्चय बुद्धि नहीं थी तब तक घोषणा नहीं कर पाए। वो पूछ रहे हैं कि लेकिन जब शिव और कृष्ण ने राम वाली आत्मा के शरीर में प्रवेश करना शुरू किया 1969 के बाद, तो फिर जो मुकर्रर रथ है उनको 69 के बाद दादा लेखराज के शरीर छोड़ने के बाद हाँ। तो वो कह रहे हैं कि उसके बाद जो है मुकर्रर रथ को फिर 7 दिन का की भट्टी या बेसिक कोर्स करने की जरूरत क्यों पड़ी है। 7 दिन का बेसिक कोर्स बेसिक कोर्स तो तब कहा जाए जबकि कोई उसे समझाए, जब समझा ही नहीं पाया, न छोटी बहन ने समझाया न बड़ी बहन ने समझाया,
रमेश भाई के ऊपर डाल दिया कलकत्ते के ऊपर कि वो आएंगे उनसे अपने प्रश्नों का समाधान कर लेना। तो उसे सप्ताहिक कोर्स कहेंगे, कोर्स का फोर्स कहेंगे। कन्वीन अगर नहीं कर पाता है 7 दिन में तो कोर्स कहेंगे। तो फिर वो एक और प्रश्न भी इसी समय बीज को डाला हुआ कहेंगे, बीज गया ही नहीं। बीज माना ज्ञान का बीज माने समझ, बुद्धि में बात बैठी, समझा तो पाया नहीं। तो इसी आधार पर वो एक और प्रश्न पूछ रहे हैं कि उस समय जो है फिर कोर्स किसने किया, ब्रह्मा वाली आत्मा ने मुकररत के द्वारा किया या राम वाली आत्मा ने किया? किसका कोर्स? जो बेसिक कोर्स 69 में किया मुकररत ने के लिए, तो दुनिया की दिखाने के लिए तो वेदांति नहीं किया। नहीं नहीं करवाया नहीं, किया किसने, मतलब वेदांति किसने? नहीं किया। नहीं नहीं लिया किसने कोर्स, वो जो भट्टी जो ली वो कृष्ण वाली आत्मा ने ली या राम वाली आत्मा ने ली? कोर्स में इतनी बात उठाई गई कि शिव जो है बिंदु है, उस बिंदु रूप स्टेज में टिकने से फायदा है, और यही बेसिक नॉलेज है, फाउंडेशन है। तो वो कोर्स लिया राम वाली आत्मा ने, कृष्ण वाली आत्मा ने नहीं? कृष्ण वाली आत्मा ने शंकर कहा जाता है तब जबकि तीनों आत्माएं मिलके इकट्ठी हो। चंद्रमा को कहां से गुजर दिया वो? नहीं वही ये पूछ रहे थे कि भाई शंकर कब कहा जाता है? फिर तो 69 से ही शंकर होना चाहिए। उस समय तो सिर्फ राम वाली आत्मा। और फिर उनका ये प्रश्न है कि यदि जगदम्बा झूठी गीता है तो फिर शिव ने जो है, शिव जो कि त्रिकालदर्शी है, उन्होंने 1983 में उनको जगदम्बा के रूप में स्वीकार क्यों किया? 83 में जगदम्बा के रूप में स्वीकार क्यों किया? जगदम्बा के रूप में, भारत माता के रूप में नहीं स्वीकार किया। सॉरी, जगदम्बा में भारत माता में अंतर नहीं है। भारत माता शिवशक्ति अवतार अंत का यही नारा है, जगदम्बा के लिए थोड़ी का है कि अंत का नारा है। जगदम्बा का तो जो जगत की अम्बा, तो जगत शुरू ही होता है द्वापर युग से, उससे पहले तो जगत कहेंगे ही नहीं। वही ये कह रहे थे कि भाई अगर मतलब उनको शिव को ये पता नहीं चला कि वे जगदम्बा जो है आगे चल के यज्ञ छोड़ के जाएगी। ये क्या बात हो गई, यज्ञ कहाँ छोड़ दिया? उनका सपना आता है कि साक्षात्कार होता है, उन्होंने यज्ञ छोड़ दिया। ज्ञान की बातें नहीं चलती हैं और बाप को नहीं याद करती है। वो तो जो बुद्धि में बैठ गया है वो हट नहीं सकता। गहरा फाउंडेशन है। क्या महाकाली को तीसरा नेत्र नहीं दिखाया जाता है? चंद्रमा दिखाया जाता है? और किसी और पीबी के भाई ने उसमें बीके इन्फो में पूछा था कि किसी वार्तालाप में, मुंबई में हुई किसी वार्तालाप में एक भाई ने एक भाई ने बाबा को पूछा था कि यदि हमको शंकर की बात सुननी है और फॉलो ब्रह्मा को करना है तो फिर हम एक गधे को क्यों फॉलो करें है? ब्रह्मा को तो जो है गधा कहा जाता है। गधा किस लिए कहा जाता है? गधा किस लिए कहा जाता है? यज्ञ का भार ढोया उन्होंने। घर का भार धोती है कि नहीं धोती है? जो घर परिवार होता है वो यज्ञ नहीं है, उसका भार ढोना खराब बात है क्या? अच्छी बात। ये पूछ रहे थे कि भाई किसी मुरली या अभिवाणी कोई ऐसी है जिसमें ये कहा गया हो कि भाई तीन सोल जो है एक ही शरीर में है, अर्थात शिव राम और कृष्ण।
शिव हरदन मुरली में कहते हैं कि बाप दादा जो है दो आत्माओं के संबंध में है, आत्मा और परमात्मा। बाप कहा ही जाता है चैतन्य में तब जब सुप्रीम सोल और साकार मनुष्य शक्ति का बाप दोनों मुकर व्रत में इकट्ठे हैं, तब है बाप। वो परम धाम में बैठा है, मनुष्य सृष्टि का बाप नीचे बैठा हुआ है सृष्टि में, तो वो बेहद का बाप नहीं है। ऊपर वाला जब तक नीचे वाले में प्रवेश नहीं करेगा तब तक एक दूसरे की पहचान ही नहीं होगी, न सुप्रीम सोल की पहचान होगी और न साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परमधाम में आत्मा ऐसे पड़ी हुई है जैसे जड़वत, सब आत्माएं जड़वत है, सुप्रीम सोल की जड़वत तो प्रवेश करना पड़े, उसको कहा जाता है बाप कल्याणकारी। बिना शरीर के कल्याणकारी अकल्याणकारी होता है क्या? अंदर बैठती नहीं बात बैठ गई है। बिना शरीर के कल्याणकारी अकल्याणकारी हो जाएगा? सुखदाता दुखदाता बिना शरीर के हो जाएगा? शरीर तो चाहिए, नहीं चाहिए। सुख का सागर कहा जाता है तो बिंदी थोड़ी सुख का सागर हो कहीं जाएगी, बिंदी सागर शरीर में प्रवेश होनी चाहिए। ज्ञान का सागर कहा जाता है वो प्रत्यक्ष कैसे होगा? कविता का सागर कहा जाता है कैसे प्रत्यक्ष होगा? उस कर्म ऐसा करके दिखाए ना जिसकी यादगार बनी हो मंदिरों में, तब तो कविता का सागर कहा जाएगा। दूरवार खुशवार तो सन्यासी भी होते हैं, उनका मंदिर क्यों नहीं बनाया जाता? एक और प्रश्न वो फोरम पे ये उठाया गया था कि भाई मम्मा जब यज्ञ छोड़ के गई है उन्होंने अनिश्चय पत्र लिख के दिया है, तो फिर अभी उनका नाम जो है निश्चय पत्र में क्यों लिखा जाता है? तो अज्ञानी है, ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश है, ब्रह्मा की सोल चला रही है, ब्रह्मा की बुद्धि में खुद ही नहीं बैठा है। मैं गीता का भगवान साकार में नहीं बनता, तो जिसको चलाएगी उसको भी अज्ञानी बनाएगी ज्ञानी बनाएगी? हम जानते हैं कि जगदम्बा महाकाली बनती, मुरली में हमको बाबा ने बताया, तो बाबा ने बिल्कुल बताया तो महाकाली में जगदम्बा कहीं नहीं। चलो भंगी लोग मानते हैं, डकैत लोग मानते हैं, चोर लोग मानते हैं, लेकिन है तो उसी देवी का ही रूप तो है। जगत अम्बा का मतलब सारे जगत का श्रृंगार करेगी, लेकिन स्वर्ग का श्रृंगार करेगी। स्वर्ग के देवताओं को थोड़ी संघार कर पाती है, सारे जगत का संघार कर रही है। जगत में मनुष्य होते हैं ऐसे आप ही। फिर वो पूछ रहे थे कि भाई निश्चय पत्र में जो है मम्मा बाबा के लौकिक नाम लिखने की क्या जरूरत पड़ी है? किसी मुरली में ऐसा कहा गया है कि हाँ, नाम रूप सब बताना पड़े, नाम रूप स्थान सारा पूरा पोता पूरा एड्रेस उसे लिखवा दो निश्चय पत्र में, बता दे इसके लिए पहचान कैसे हो। बाबा का तो मैंने मुरली में पढ़ा हुआ है कि जो साकार मुकर्रर रथधारी है उनका नाम रूप का पता होना चाहिए, लेकिन मम्मा के भी नाम रूप का? बिना अम्मा के बच्चे पैदा कैसे हो गए? ऐसा कौन सा बाप हुआ जो अम्मा को महत्व नहीं देगा और परिवार चला लेगा? ये तो निवृत्ति मार्ग की बात हो गई। कोई मेरे जैसे ना समझ हो सकता है वो ये सोचते हैं माई चला लेगी, बाप को कुछ नहीं करना। Thank you.
बीके इन्फो पे अभी हाल में जो है उन्होंने एक अभी तक तो सारे जो यज्ञ के शुरुआत के जो निकले थे दस्तावेज वो सारे अंग्रेजी से निकाले, अंग्रेजी में निकाले थे, वो भी लंदन के म्यूजियम वगैरह से। लेकिन अब जो है उनको एक हिंदी का डॉक्यूमेंट मिला है 1942 का, वो उसका टॉपिक जो है महाभारत लड़ाई करके ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो उसमें जो है कुछ घोषणाएं वगैरह जो उन्होंने मिलिट्री के कमांडर्स वगैरह को लेटर लिखे थे वो भी है हिंदी में। और कुछ जो है बीके बहनों के बीच में वार्तालाप भी उन्होंने दिया हुआ है उसमें। लेकिन उसमें सब में जो है प्रजापति ब्रह्मा करके लिखा हुआ है, डिवाइन फादर प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापिता जो है वो यूज नहीं किया है। बाबा ने संख्या करके बता रहे प्रजापिता शब्द को कोई जानता ही नहीं था। तो शास्त्र में जो शब्द आया वो दिखाया गया, ये तो बात बाबा ने बताई। पहले पति होता है कि पहले बाप होता है, पहले कौन होता है? पहले पति होता है, पहले बच्चे का पहले बाप होता है कि पति होता है? बच्चा बच्ची पैदा हुए, बच्चा बच्ची पैदा हुए उनका पहले बाप होता है कि पहले पति होता है? बाप होता है, पहले बाप होता है। तो बाप का, बाप के बारे में तो मालूम भी नहीं किसी को। अंत की बात सब ने याद करी, जो साथ लिखे गए हैं वो संपूर्णता के समय के लिखे गए हैं, अधूरे समय के लिखे, शुरुआत के लिखे गए हैं, संपूर्णता के लिखे गए हैं। 2018 के बाद जो दुनिया में आवाज फैली है उस समय की बात लिखी थी। प्रजापति सारी प्रजा का पति है, ये बात भूल गई, वो पिता भी था, ये क्योंकि आदमी बीजारोपण करने वाला भी था, आज की बात भूली हुई है दुनिया को। वही वो पूछ रहे थे कि आदि में जो है वो प्रजापति वर्ड ही क्यों बार बार कई सालों से आश्रम की जो बात चली आ रही है वही बात बोलेंगे और कौन सी बोलेंगे? असली बात तो शिव बाबा बताता है ना। तो 66 में शिव बाबा ने बताया मुरली कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रंग है, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ये भी रंग है, ब्रह्मा है बड़ी अम्मा है तो बाप का भी नाम लो ना। और एक और बात भी उसमें जो भी शुरुआत के दस्तावेज मिले हैं यज्ञ की हिस्ट्री के, उससे एक और बात ये पता चली है कि भी कहीं पर भी शिव का नाम नहीं आया है शुरुआत में। जैसे ये 1942 का जो दस्तावेज है इसमें भी कहीं शिव का नाम नहीं है, सिर्फ निराकार परमात्मा करके यूज किया हुआ है। ना मालूम है, ये तो बात मुरली में बताई है कि मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। जो बात ज्ञान की मुरली में बताई गई है वो बात पहले से कैसे बताई गई है वो लोग जानते ही नहीं। मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं, शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। ब्रह्मा दादा ने ग्रेजुएट प्रवेश किया तो नाम ब्रह्मा पड़ गया, उसे शिव तो किसी ने नहीं कहा। तो प्रजापिता ने प्रवेश किया तो शिव बाबा नाम पड़ गया। तो महोत्सव में जब से मुरलियां चलनी शुरू हुई है तब से शिव वर्ड यूज करना शुरू किया है इन्होंने। वो बाबा इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा को कहा बाबा बुढ़े होने की वजह से, और शिव की थोड़ी में प्रवेश कर रही, बाकी है माँ का पार्ट। प्रैक्टिकल साकार जो पार्ट है साइंस शक्ति का वो माँ का पार्ट है, सामना करने की ताकत नहीं है। तो वही वो जानना चाहते थे कि भाई यज्ञ की शुरुआत के जो 15-20 साल थे उस समय वो भगवान को किस नाम से याद करते थे या किस रूप में? उस समय बिंदु भी नहीं था, जब बिंदु ही था ही नहीं तो शिव कहाँ से कहेंगे? तो उस समय बिंदु के लिंग को याद करते थे, पहले अंगुश अंगूठे को याद करते थे, अंगूठाकार को याद करते थे, शिवलिंग को याद करते थे, लिंग को याद करते थे। जब लिंग जो है वो इस शक्ति पर हो बाद में उसका पता चलता है कि शिव क्या तत्व है और लिंग क्या है। देखिए लोग तो लिंग को ही शिव समझते हैं और उसमें जो हीरा रखा है उसके बारे में सोचते ही नहीं, ये कौन असल को भूल जाते हैं।
असल तो दोनों है, बिंदु भी असल है, लिंग भी असल है। शिव को पहचानने के लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए, ज्ञान ही महीन है, शिव की आत्मा ही सबसे महीन है। और उसमें जो है वो जो 1942 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें बार बार शिव का तो नाम कहीं आया नहीं है, एक जगह निराकार परमात्मा का नाम आया है, लेकिन बार बार जो है एक वाक्य आया है डिवाइन फादर गीता ऑथर प्रजापति ब्रह्मा, ये जो है कई जगह आया हुआ है। तो वो लोग ये जिन्होंने वो पढ़ा है उनको ये डाउट आ रहा है कि भाई उस समय क्या वो ब्रह्मा को ही थपथपाता है। हाँ, उसमें कराची का पीओ बॉक्स नंबर सब कुछ दिया हुआ है। कोर्ट का थप्पा है? कोर्ट का तो नहीं है, फिर हम नहीं मानते ऐसे, ऐसे तो कोई भी लिख करके कुछ भी रह सकता है। ये हाथ का लिखा हुआ है? हाँ, भले हाथ का लिखा हुआ हो, कोई भी हाथ से लिख सकता है, कोई प्रिंट में प्रिंट कर सकता है, कोर्ट का थप्पा चाहिए, स्कैनिंग कॉपी चाहिए। अंग्रेजी वाले में तो है जो कोर्ट का, कोर्ट के लेटर वगैरह कुछ हैं उसमें, वो तो सिर्फ ट्रांसलेशन है, इंग्लिश लेटर उसका ट्रांसलेशन अलग बात हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल चीज जो है कोर्ट की वो स्कैन की हुई मिले तब असली बात का पता चले। और एक और वाक्यांश भी उसमें बार बार आया है अहम ब्रह्मास्मि का, तो वो ये जो विदेशी लोग हैं वो सारे जानना चाहते हैं कि उस समय जो यज्ञ के आदि में ये अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या होता होगा उस समय, वो एक वाक्यांश जो है बार बार आया हुआ है उस डॉक्यूमेंट में, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो क्या उस समय जो है वो है? ये 1942 का है डॉक्यूमेंट, तो उसकी स्कैन कॉपी है हमारे पास कंप्यूटर में तो अवेलेबल है, निकालने पड़ेंगे। क्योंकि ब्रह्मा में जब से प्रवेशता हुई है तब से उनको ये अनुभव हुआ कि मेरे अंदर कोई दूसरा प्रवेश करके बोल रहा है, पहले हम तो इतना हमारे अंदर से इतना ज्ञान नहीं था। तब उन्होंने पक्का कर लिया कि सिर्फ मेरे में प्रवेश है, लंबा चौड़ा होना चाहिए वो सारे प्रश्न उसमें कंप्यूटर इंटरनेट से दुनिया भर की बातें पहुँचती रहती है, उनका सैकड़ों को सही समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है। आजकल बहुत महीनों से जो है प्रश्नों के जवाब भेजते ही नहीं है वो, ये भी जो है प्रश्न कई महीने हो गए तो नहीं मिलते हैं, तो लिख करके रखो ना कि जब बाबा सामने आएंगे तो हम क्लियर करेंगे। वही अचानक तुम्हारी बुद्धि ऐसी खराब होते रही और तुम दूसरों की बुद्धि को खराब करते रहो, जवाब तो फौरन देना है, उनको इंतजार रहता है। गलत फहमी जो रहती है वो गलत फहमी से चलती रहती है दूसरों का, वो ईमेल से जवाब दुनिया वाले ईमेल में तुम्हारी बुद्धि खराब करते हैं, तुम तो जवाब नहीं मिलेगा तो दूसरों की बुद्धि खराब करते रहो। वो कंप्यूटर पे कुछ दिखाना था बाबा, वो हिंदी का एक नया सॉफ्टवेयर का पता चला है, सॉफ्टवेयर फैला हो चारों तरफ, वो यूनिकोड करके एक कोई हिंदी का फॉन्ट है, तो वो जो है उससे मतलब आसानी से जो है वर्ड में भी टाइप किया जा सकता है और उसी को कॉपी करके किसी भी वेबसाइट पे चढ़ाया जा सकता है। वही तो बात है कि जो भी चीज मिलती है उसको सारे दुनिया में तुम फैला दो जल्दी से काम आए, जल्दी से काम हो। अब आपको एक बार दिखा के जो है अपना क्या दिखाना है, जो बात सच्ची है तो सच्ची है, हमारे सामने तो अपने आप ही आ जाएगा। वो कृतिदेव के जो फॉन्ट है वो मतलब ईमेल से या
वैसे किसी वेबसाइट पे उसको कॉपी नहीं किया जा सकता है, और अगर कॉपी भी कर देते हैं तो कंप्यूटर में वो फॉन्ट होने चाहिए तभी वो नजर आएगा, नहीं तो वो जो है पढ़ नहीं सकते, वो इस तरह से कुछ बदल जाता है वो। रघु भाई ये बात प्रैक्टिकल निकाल लेना, बोलने से मतलब समझ नहीं आता। लेकिन ये यूनिकोड जो है इसमें ये सुविधा है कि किसी भी कंप्यूटर में चाहे कृतिदेव हो ना हो, लेकिन ये यूनिकोड जो है जरूर होता है, वो यूनिवर्सल फॉन्ट है ये, तो वो जो है कहीं पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति हिंदी में उसको पढ़ सकता है, किसी भी कंप्यूटर पे, वेबसाइट पे हो या वैसे हो, जो भी चीजें हैं कंप्यूटर हम तो ज्यादा जानते नहीं, चीजें हैं उनको फटाक से फैलाओ, वो लोग तो छुपा छुपा के रखते हैं पैसे कमाने के लिए, हमें भी है नहीं कि हमें पैसा कमाना है, लगा तो फैलाओ चारों तरफ, जल्दी से काम हो। मैंने तो यूज करना शुरू कर दिया, कई महीनों से यूज कर रहा हूँ मैं ना, वो यज्ञ में अभी तक जो है यूज होना शुरू हुआ नहीं है, तो अगर यूज इनको तो अभी मालूम पड़ा है, नहीं इनको भी बहुत दिनों पहले पता था, मैंने ईमेल भेजे हुए थे कई महीने हो गए, सबको ईमेल भेजे हुए मैंने, और वो प्रैक्टिकल में देखा इन्होंने अभी है, इसलिए अभी इनको महत्व का पता चला, नहीं तो ईमेल का कोई प्रूफ नहीं होता है कि ईमेल भेजा होता है, प्रूफ क्यों नहीं होता है, होता है, होता है, क्या प्रूफ होता है, वो अपने अकाउंट में रहता है ना, सेंट फोल्डर में, अपने अकाउंट में रहता है, हमने डाल दिया अपने अकाउंट में, तो कोई प्रूफ पक्का थोड़ी होगा, जैसे पोस्ट ऑफिस में हम कोई पोस्ट अगर करने जाते हैं तो उसकी रसीद मिलती है, उसमें जो फोल्डर में जाता है उसमें डेट तो होती होगी, डेट टाइम पे अपनी डेट को वो भेजा गया इस फोल्डर के अंदर, भेजा गया लेकिन मिला क्या, तभी तो फोल्डर में आया, जो वो मिला है तो पोस्ट ऑफिस वाले भेज देते हैं, भेजने के बाद वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा, एक्नॉलेजमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो तो एक्नॉलेजमेंट तो जवाब देगा तभी पता चलेगा कि मिला है या, वो जवाब देगा ही नहीं, वो जवाब देगा ही नहीं, नहीं पड़ेगा तो जवाब ही नहीं देगा, वो भी ये कहेगा कि हमें मिला ही नहीं, उसका कोई तरीका नहीं है कि हाँ उसके पास पहुँच गया है, कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर उसमें पता चल जाता है कि अगले बंदे ने वो निकाला, वो बहुत जरूरी है, वहाँ जो भेजता है उसमें आ जाता है सेंट, अब वो ठीक है, वो चला गया है जब, अब ये पता नहीं कहाँ गया, वो चला वहाँ से, हम नहीं जानते, हम लोग तो कंप्यूटर से बहुत दूर है, कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें ये पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर ऐसा जरूर कोई निकला होगा जिससे ये पता लगे कि उसके पास पहुंच गया है, वो इनकार न कर सके कि हर बार पहुंचा है, वो तो है बाबा मेरे ख्याल से है, वो बीके इन्फो में जो प्राइवेट मैसेजेस आते हैं ना उसमें इस तरह की सुविधा रहती है कि जब तक वो अगले बंदे ने देखा नहीं है ना तब तक वो आउटबॉक्स में ही दिखाता रहता है, वो प्राइवेट मैसेज जब वो पढ़ लेता है उसके बाद वो आउटबॉक्स से खत्म हो जाता है, उसने पढ़ लिया है नहीं तो तब तक वो आउटबॉक्स में दिखा रहता है, नहीं तो ये सारा कंप्यूटराइज होता जा रहा है, और ये पुलिस में थाने में जो रिपोर्ट लिखी जा रही है वो कंप्यूटराइज नहीं हो पा रही, कंप्यूटराइज हो भी जाए तो कोई फायदा नहीं बेचारा, वो तो भेजेगा वो कह देगा हमें मिला ही नहीं, भेजने वाला भेजे और उनको स्वीकार करना पड़ेगा हाँ हमको मिल गया, ये बहुत करप्शन चल रहा है, बड़े बड़े ऑफिसर लोग जो है रिसीविंग देते ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट रिसीव नहीं दे रहा, बताओ और किसकी बात बताए, वो तो मना नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट वाले, अरे मना नहीं कर सकते था, ऐसे ही चलता बहाना बाजी करने के लिए मना करते हैं, बहाना है कोर्ट के, बहुत करप्शन है, अगर इंटरनेट से ये पक्का हो जाए कि जो रिपोर्ट भेजी गई है वो वहाँ उन्हें रिसीव करनी ही पड़े, बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी, तो दवा देते हैं तो
तो फोरम पे एक और ये प्रश्न आया था कि जो ब्रह्मा के चार मानसिक पुत्र बताए गए हैं सनत सनातन सनंदन और सनत कुमार, तो उनमें से जो है तो जो आखिरी भाई है सनत कुमार उसके नाम पर देवता धर्म का नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि ज्ञान में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, ज्ञान में जो बड़ा सो बड़ा ठहरा, छोटा ज्ञान में ज्यादा तीखा था, जो बड़े वाले थे वो ज्ञान में तीखे नहीं थे, इसलिए छोटे का नाम के आधार पर सनत कुमार के आधार पर सनातन धर्म नाम पड़ गया। वैसे तो वो सीढ़ी के चित्र में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चार बताते हैं, उसमें तो राम बड़ा है, लेकिन राम बड़ा है ज्ञान के आधार पर। फिर ये सनत कुमारों में जो है सबसे छोटे का क्यों गिना जाता है? कि वो गिना जाता है कि वो पैदा तो बाद में हुआ, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो पहले आ गए, लेकिन ज्ञान में ठीक है बोली में भी बोला है, ज्ञान में बड़ा तो बड़ा ठहरा, हम समझते हैं ये ऊंच पर पाने वाला पढ़ाई के ऊपर सारा बदल। यहाँ लौकिक बातें थोड़ी चलती हैं, बेहद का ज्ञान है, बेहद की बातें उठाई जाती हैं, फिर जो पैदा हो रहे हैं वो साथ में तो पढ़े नहीं, काटते रहो काटते रहो काटते रहो काटते रहो, जब तक वो नाभि कुंड में बाण न लगे, यहाँ से 16,000 नशा नाड़ियाँ निकलती हैं, तब तक ऐसा नहीं करना। एक और प्रश्न वो अभी पूछने लगे थे कि भी किसी मुरली में ऐसा कहा गया है कि भी कन्या माताओं को सरेंडर करना है, माताओं को सरेंडर नहीं करना है, और क्या बहनों को सरेंडर करना है? भाइयों को सरेंडर करने की क्या दरकार? भाइयों को तो दुनिया में चाहे जहाँ चौराहे पड़े रहो, उन्हें सेंटर लेने की क्या जरूरत है? गोपाल का नहीं है क्यों भाई हुआ मुरली में बोला है, गोपाल क्यों बैलपाल क्यों नहीं, गोपाल का नहीं है गाया हुआ है, बैलपाल को नहीं गाया हुआ है, नहीं वो कह रहे हैं कि कन्या माताओं को सरेंडर करने का मतलब क्या है, पाल का मतलब क्या है, हिंदी नहीं जानते, हिंदी के अर्थ नहीं जानते, इसलिए वजह से पैदा होते हैं। जब मुरली में बोल दिया गौपाल का नहीं है गाया हुआ है, तो बावन क्यों बोला कि गऊ की पालना करता है, बैलों की पालना थोड़ी करेगा? वो ये पूछ रहे कि मुरली में बार बार आता है कि वे घर गृहस्थ में रहते हुए जो है सेवा करनी है, तो बल रहो उसमें लगा देते हैं, बल बल अपने घर गृहस्थ में रहो, इसमें जरूरी नहीं है, हल्का मतलब जरूरी नहीं है, बल रहो करके देख लो, तो अपनी सुरक्षा कर पाओ तो रहो। हमने तो उनको ये जवाब दिया कि वे कई ऐसी कन्याएं माताएं हो सकती है जिनके पवित्रता की सुरक्षा घर में नहीं हो सकती है, घर घर में बैठे ने तो मुरली में बोला घर घर में बैठे कहा जाएंगे, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, बाप बेटी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, भैया बहन को नहीं छोड़ता, और घर घर में बैठे ने बताया इसको कहाँ जाएंगे, कहीं कहीं कहने वाले तो कहने वाले तो बाबा हर घर में घुसा हुआ वो जानता है, हम तो नहीं जानते, हम तो बाबा की बात मानेंगे। अभी तो दुनिया के जो बड़े बड़े आदमी है ना जो समझते हैं कि हमारे घर में बड़ी भारी पवित्रता है, उनकी पोल पट्टी खुलेगी, अब ऐसा जमाना आने वाला है। वकीलों की मीटिंग हुई बाहर में, ये लड़कियां जो भाग भाग करके आ रही हैं आश्रम में, ऐसे तो फरुखाबाद फतेहगढ़ की सारी लड़कियां जाकर के आश्रम में बैठ गई, घर में डांट के रखते होंगे जाना चाहती होंगी, क्या किया नहीं है। जब कानून बने हुए 18 साल की कन्या होगी स्वतंत्र,
झूठे झूठे आरोप लगा देते हैं बाबा के ऊपर, किडनैप कर लिया, विचार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बलात्कार कर दिया। कानून का चक्का चल जाता है, भले साबित हो या न हो, लेकिन वो तोहमत तो आ पड़ी, मुकदमा तो बन ही जाता है। कानून है, अगर लड़की और माता अगर कुछ कहती है इस तरह की बात तो उसे जरूर दर्ज किया जाएगा, भले सच्चे हो या झूठ हो। सिर्फ इस बात के आधारित है कि कन्या माताएं अपनी बेइज्जती अपने आप थोड़ी ही बोलेंगी, मजबूर हो जाती हैं तभी तो बोलती हैं, इसलिए झूठ कर देते हैं। एक और प्रश्न है बाबा, ये जैसे सातों मुरलियों में तो उस समय के जो ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, जैसे कुमारिका दादी हो गई या और कोई बहने हो गई, उनका नाम आता था तो उनके लिए एडवांस नॉलेज में ये कहा जाता है कि भी बाबा के अंदर के प्यार में और बाहर के प्यार की बड़ी युक्ति है, मेरी युक्ति है। लेकिन एडवांस नॉलेज में भी कुछ बीबी के भाई बहनों का नाम लिया जाता है कभी कभी, तो उनके लिए भी क्या ऐसा ही कहा जाएगा या नाम लेने क्या होता है? नाम लेने तो पक्का नहीं होता है कि इनके साथ अंदरूनी प्यार है या नहीं, जानना है। नहीं तो कई लोग ये समझने लग जाएं कि भाई एडवांस नॉलेज में बार बार किसी का नाम लिया जा रहा है तो शायद बाबा को उनसे बहुत प्यार है या वो माला में ऊंचा नंबर आने वाले हैं। एडवांस नॉलेज में किसने भाई होंगे? नहीं, कुछ लोगों का जिनका नाम का नाम लेंगे, भाइयों का नाम लेंगे तो उनको पहले ही दुर्योधन दुशासन बता दिया, उनका तख्ता साफ हो गया। अब बहनों का नाम लो तो रुद्रमाला है, तो स्वभाव संस्कार से पहले ही पुरुष है तो सुधरे हुए जाएंगे कि ना सुधरे, अनसुधरे हुए जाएंगे। बाकी नंबर वाला है उनमें परसेंटेज बहुत ज्यादा है अच्छाइयों का, वही परसेंटेज बहुत कम है। खूबियों का फर्क हो जाता है, किसी में कोई खूबी है किसी में कोई खूबी है। कितने लोग दुनिया में लाभ उठा रहे हैं पता चला? लेकिन अभी वो जो बीके इनको बताते हैं कोई सॉफ्टवेयर आया है जिससे ये पता लग जाता है कि कितने लोग उससे लाभ ले रहे हैं, मतलब ये तो पता चल जाता है कि भाई कितने लोग वो पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं। हाँ, ये तो पता चल जाता है, जैसे वो बीके इन्फो का जो फोरम है उसको अभी तक लगभग 500,000 लोग जो है पढ़ चुके हैं, और उसमें भी जो पीबीके और बीके के सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं, उसमें भी जैसे हम रोज उसमें एडवांस नॉलेज की मुरलियाँ, क्लैरिफिकेशन मुरलियाँ, डिस्कशन वगैरह रोज दो दो पेज उसमें डालते रहते हैं, तो वो भी कितने लोग पढ़ रहे हैं ये भी उसमें आ जाता है। और फिर उसके आधार पर जो है कई जैसे हजारों प्रश्न पूछते रहते हैं उसमें, तो प्रश्न पूछ रहे हैं माना उसको इंटरेस्ट है। और बीके वाले तो जो है क्योंकि 70 साल हो गए लेकिन आज तक वो बीके वाले जो है खुली तरह से किसी को मुरलियां देते नहीं है, लेकिन यहाँ तो जो है इस फोरम के थ्रू सबको मुरलियां मिलती जा रही है, तो बीके वाले भी आकर्षित होके इसको पढ़ रहे हैं अभी। और जब वो पढ़ते हैं बीके का भी पढ़ते हैं, पीबीके का भी पढ़ते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं, तो बीके वालों को चुप हो जाना चाहिए इंटरनेट में, तो चुप तो हो ही जाते हैं वो, तो वो थोड़ी प्रश्न पूछते हैं, ये हमारे बीबीके ही जो ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, बीके वाले तो बहुत कम प्रश्न पूछते हैं। बीके वालों को इंटरनेट में घुसना ही बंद कर देना चाहिए कि समझे कि हमारी पोल पट्टी खुल रही है इंटरनेट से। वो नहीं, वो जो
प्रशासन है ब्रह्म कुमारी संस्था का प्रशासन, उनको तो कितनी बार आमंत्रित किया गया कि भाई आप आके इसमें चर्चा कीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए, वो तो उल्टे उसको बंद करवाने में लगे हुए हैं। वो तो उन्होंने कानूनी कोशिश भी की थी कि भाई इसको बंद करवा दिया जाए क्योंकि इससे एडवांस नॉलेज फैल रहा है। वो एक्चुअल में वो साइट चलाई जाती है एक्स बी के द्वारा, जो बी के संस्था छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके द्वारा एडवांस वालों की जो सेवा हो रही है। संस्था क्यों छोड़ चुके हैं? वो तंग आ गए हैं ना उनसे कि भाई वहाँ श्रीमत का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता है। वो भी है, दोनों ही है, प्रश्नों का जवाब को हल नहीं किया जाता है। आप नहीं चलाते हैं, जबरदस्ती चलाते हैं कि हमको ऐसा ही करना है, हम तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं, निकल जाओ। दुनिया में जैसे गोल्डन चल रहा है वैसे गोल्डन चल रहा है पूरा, श्रीमत का भी पालन नहीं करते। अभी जैसे वो प्रकाशमणि दादी का जो इन्होंने शक्ति स्तंभ बना दिया वहाँ पर, तो वो सारे फोटोज उसमें डाल दिए उन्होंने कि भाई ये देखो कैसे भक्ति मार्ग चला रहे हैं। अभी एक साल पहले जो है उन्होंने बनाना शुरू किया था, अभी पहली बस्ती पे जो है उन्होंने उसका उद्घाटन किया और इतना बड़ा मतलब कमरे से भी बड़ा जो है ब्रह्म वो दादी का फोटो लगा के उसके ऊपर माला चढ़ा दी और लगभग 7-8 फुट लंबा जो है वो दिया, एक वो दीपक जो होता है ना हिंदू लोग यूज करते पूजा में, उस तरह का जो है लैंप एक बना के रख दिया था। तो ये सारे देख के विदेशी तो जब वो चित्र देखते हैं तो उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये तो सारा भक्ति चल रहा है, जब ये मूर्ति पूजा की शूटिंग, मूर्ति पूजा की शूटिंग है भाई। इस्लामी में तो मूर्ति पूजा चलती रही है ना 1000 साल, तो कुमार का दादी चलाएगी और कौन चलाएगा? मोहम्मद आगे खंडन कर देता है। वो तो उनके सारे जो भी श्रीमत का उल्लंघन करते रहते हैं उसके सारे प्रूफ लाके उसमें उस फोरम में वो दिखाते रहते हैं एक वीक के, ये देखो मुरली में ऐसा कहा गया और तुम ऐसा कर रहे हो। वो खुद ही लाके, हालांकि वो छोड़ चुके हैं फिर भी जो है वो सारे प्रूफ लाके दिखाते रहते हैं किस तरह से सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, करोड़ों करोड़ रुपये प्रॉपर्टी जमा करने में, वो सारा दिखाते रहते हैं। हालांकि एडवांस नॉलेज से भी वो पूरी तरह कन्विंस तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर मानते हैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं इनकी भावना सच्ची है, कम से कम ये जो है दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये उनको पता है। विकी में भी ढेर सारे ग्रुप हैं, उन ग्रुप में कोई ग्रुप तो ऐसा निकलना चाहिए जो एडवांस को सपोर्ट करे। फोरम में जो है जो मेंबर्स की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है और ज्यादातर उसमें बीके मेंबर्स ही हैं, तो वो भी एक तरह का प्रूफ ही है कि भाई उनको एडवांस नॉलेज पसंद आ रहा है, तभी तो वो मेंबर बन रहे हैं। नहीं तो वो बीके वाले तो उनको कहते हैं वो वेबसाइट भी मत देखो, वो जो बीके इन्फो की साइट है, क्योंकि उसमें सारा एडवांस ज्ञान दिया हुआ है, इसलिए वो उनको मना करते हैं कि भाई आप उस साइट को भी मत देखो, लेकिन लोग देख रहे हैं और मेंबर भी बन रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई उनको कुछ ना कुछ पसंद आ रहा है, वो अभी तो देख रहे हैं। ये मत देखो, वो मत देखो, ये मत सुनो, वो मत सुनो, और उसमें अंधा बहरा बना दो। और उस फोरम में उन्होंने एक टॉपिक शुरू की है जिसमें दुनिया भर के बीकेस की रिक्वेस्ट उसमें वो डालते हैं कि हम जो है दुनिया के इस कोने में हैं, हमको मुरलियां नहीं मिल रही है, हमको ईमेल से मुरलियां भेजी जाए। तो दुनिया भर के बीके वाले जो है वो ईमेल भेज भेज के उस फोरम के एडमिनिस्ट्रेटर को ये लिख रहे हैं कि हमको मुरलियाँ भेजी जाए, जबकि हम बीके वाले मुरली देने को तैयार नहीं है। तो उन्हें समझाओ ना कि मुरली में तो सुनना सुनाना हुआ है, मंथन तो हुआ ही नहीं। बाबा ने तो कहा है कि आप ज्ञानामृत नहीं कहेंगे जिस अमृत से मनुष्य देवता बनते हैं, अमृत से जिससे देवता बनते हैं वो अमृत तो यहाँ एडवांस में मिल रहा है मंथन करके, वो चीज लो ना। तुम थर्ड क्लास मुरली क्यों पढ़ते हो? मुरली में तो बोला है कागज की मुरली है, वो थर्ड क्लास मुरली। टैप रिकॉर्डिंग जो मिलती है वो सेकंड क्लास है। वो तो सारी बातें उनको बताई हुई है उसमें, उनकी समझ नहीं आ रहा है। सही फालतू लेकिन लिखते कम है, लिखे उसमें लिखने वाले जो है हमारे टीवी के लिखने वाले ज्यादा हैं, डिस्कशन करने वाले।
पापा को ये कहने की जरूरत ही क्या है, ये फर्स्ट क्लास मुरली है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, क्या आप बताना चाहते हैं बाबा, क्या इशारा दे रहे हैं, क्या चाहते हैं बाबा? ये चाहते हैं कि समझ, नहीं मुरली को समझ कर बाबा चाहते हैं, फर्स्ट क्लास मुरली पढ़ो, सुनो, फर्स्ट क्लास मुरली सुनना चाहिए या सेकंड क्लास थर्ड क्लास होना चाहिए? फर्स्ट क्लास, फिर फर्स्ट क्लास मिल रही होगी तब तो बोला मुरली, ये बात नहीं है, तो जितना जितना अपना अपना मंथन करेंगे उतना ही अपने बारे में हमें जन क्लियर करेंगे, मंथन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर मंथन में प्रॉब्लम यह आ जाती है क्या? कि कई बातों में जैसे बाबा ने मैंने चिंतन किया है उससे डिफरेंस कुछ आ जाता है, जो डिफरेंस आ जाता है वही तो दूसरे दूसरे धर्म पैदा हुए हैं, उन धर्म वो दूसरे दूसरे धर्म का फाउंडेशन लगाने वालों ने बाबा से वेरीफाई नहीं किया, बाबा से वो बात करना पसंद नहीं करते, बाबा से नजर मिलाना पसंद नहीं करते, मिलना जुलना पसंद नहीं करते, ईर्ष्या भरी हुई है, जैसे अपनी बुद्धि का अहंकार आया होगा, तो कब तक चलेगा वो? वो तो चल ही नहीं सकता क्योंकि एक आगे तो सरेंडर होना ही पड़ेगा। बाबा ये मनन चिंतन की बात पे एक और उसमें प्रश्न उठा था कि मनन चिंतन किन बातों का किया जाना चाहिए, साकार मुरलियों, अव्यक्त वाणियों का या क्लैरिफिकेशन मुरलियों का भी? मनन चिंतन मंथन जो है सागर का किया जाना चाहिए, ज्ञान सागर खुद का मंथन वो ज्ञान तो तीनों में हो सकता है ना, साकार मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में और क्लैरिफिकेशन मुरलियों में। ज्ञान की मुरली तो सिर्फ साकार ही मिल जा सकती है, रक्त को तो कहीं नहीं सकती है ज्ञान की मुरली, तो धारणा की वाणी, तो धारणा की व्यक्ति के जरिए एक आत्मा के द्वारा चलाई हुई वाणी जो है वो ज्ञान की वाणी नहीं है, देवात्मा तो धारणा की ही बात सिखाएगी चलाएगी, फिर भी ज्ञान की चार सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट तो वो कवर कर ही रही है पूरा पूरा, और जो कवर कर रही है वो मुरलियों से कहीं ग्रास भी नहीं करता कोई पॉइंट, तो उसको हम छोड़ थोड़ी सकते हैं अगले जमाने को। उनका ये पूछना था कि अगर क्लैरिफिकेशन मुरलियों का भी मनन चिंतन मंथन किया जा सकता है तो फिर मनन चिंतन मंथन करेंगे फिर वेरीफाई कहाँ से करेंगे, कहाँ जाएंगे वेरीफाई करने के लिए? बाप के पास ही आना पड़ेगा, फिर बाप तो अपने ही चलाएगा, फिर क्या करेंगे, देखो कमेटी बैठाएंगे, अच्छा बापों की कमेटी बैठा दो तो भी तो सच्चा झूठा साबित हो जाएगा, ऊंच से ऊंच बाप कहा गया है तो कई ऊंच होंगे ना, उन ऊंचों के बीच में एक ऊंच साबित हो जाएगा ना, उनका ये कहना है कि भाई अगर एडवांस ज्ञान अंतिम सत्य है तो फिर उसके ऊपर फिर मनन चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, उन्होंने बाप को पहचान लिया पक्का कर लिया, निश्चय बुद्धि हो गई, वो क्यों ज्यादा मन की तरह मंथन करेंगे, बाप कहेगा तो सत्य, उनको संस्कारों में भरने के लिए मन चिंतन मंथन करते हैं, हमारे संस्कारों के लिए मन चिंतन मंथन अपने लिए करना है, पचिंतन थोड़े ही करना है, सचिंतन करना है, अपने 84 जन्मों को खोदना है निकालना है उसके लिए है मंथन करते हैं, पचिंतन चिंतन हो जाने देंगे, विस्तार हो जाता है, विस्तार होकर सार खत्म हो जाता है,
कार को नहीं निकाल पाएंगे तो अपनी आत्मा के चौरासी जन्मों को नहीं निकाल पाएंगे, न निकाल पाने वाले पीछे रह जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे। प्रचिंतन में लगे हुए हैं, बहुत विस्तार में लगे हुए, प्रचिंतन को छोड़ दिया है तो विस्तार में जा रहे हैं, विस्तार में जाते 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 आखिर आखिरी धर्म में जाके मिल गया तो लास्ट में जाके शास्त्रों का अंबार इकट्ठा कर लेते हैं। आज समझ सार उसमें से निकल जाता है, साकार को मानते ही आर्य समाजियों का शास्त्रों का विस्तार इतना ज्यादा कर दिया है वेदों से लेकर के अब तक के सार को खत्म कर दिया, सार को पहचानते ही नहीं, मनुष्य सृष्टि का सार कौन है, बीज कौन है, भगवान के निर्गुण रूप को मानते हैं, सगुण रूप को मानते नहीं, आ लेना से बन जाते।